कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। देखिए, लोकसभा का चुनाव जल्द ही होना है, कल से पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया और ऐसे में पक्ष और विपक्ष जो है वो लगातार रैलियां कर रहा है और जनसभाएं करता दिखाई दे रहा है। इस बीच बता दें कि एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर तूल पकड़े हुए और इसको लेकर बिहार की राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। जी हां, बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी एक सभा में पहुंचे थे और वहां पर जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ये भाषा आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा और किसी के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी और उनके बेटे चिराग पासवान के लिए इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, साफ तौर पर इस वीडियो को हमने आपको दिखाया। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनके कार्यकर्ता चिराग पासवान की मां और उनको और उनकी बहन को गाली गलौज करते दिखाई दे रहे थे। और अब इस पूरे मामले पर चिराग पासवान का बयान सामने आया। चिराग पासवान को जब ये बातें पता चली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल लगे और चिराग पासवान ने इस मामले पर कहा कि मैं कभी भी अगर लोगों के बीच जाता हूं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के चेहरे जो होते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव को साफ तौर पर उन्होंने टारगेट किया, मैं कभी भी उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। इधर चिराग पासवान ने इस पर अपने बयान रखे और इधर अब तेजस्वी यादव जो है उनका भी ताजा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या ये बातें मेरी तरफ से बोली गई हैं? पहले हम आपको चिराग पासवान को सुनाते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा था। अंत में एक गंभीर विषय की मैं जरूर चर्चा करूंगा जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाला विषय रहा। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में और मैं हर भाषा। आपने सुना चिराग पासवान ने कितने इमोशनल तरीके से इस पूरे बात को रखा। उधर तेजस्वी यादव का साफ तौर पर एक लाइन सामने आया जहां तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं कि क्या ये बातें मैंने कही हैं, ये बातें क्या मेरे मुंह से निकली हैं। आप तेजस्वी यादव की उस बयान को सुनिए। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे तो इस पे बात का बतंगर क्यों बनाना है? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है तो पब्लिक में से ना आया है। वीडियो देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है? हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, इन्हें की मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना है? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात। हाँ, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार, 17 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, फिर भी जंगल राज। वारे भाई, ये अपने ही की सरकार को कोस रहे हैं क्या? अरे दुखद खबर है, इसमें जो भी प्रशासन है उसको इस मामले को देखना चाहिए और आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। क्या चीज? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारे आदरणीय हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते हैं
कि उनके दल में जो दो चार लोग हैं उनके वजह से जो है उनकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब समय आएगा, अभी तो ये स्थिति नहीं है कि उनकी हम आलोचना करें, लेकिन जब समय आएगा तो हम जब किताब लिखेंगे तो इस किताब में उन लोगों का भी जिक्र करेंगे कि कौन लोग जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आप लोग तो जानते हैं, हम तो उनके बेटा की तरह हम उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुछ लोगों को ना गवारा लगा उनके दल में जो दो तीन लोग हैं, हालांकि हमारी पूरी सहानुभूति उनके प्रति। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने सिरे से निकाल दिया है इस पूरे बयान, और अब इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया, और साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर कंफर्मेशन भी दे दिया। जी हां, सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक एक कर चुन चुन कर उन पर कार्रवाई होगी, और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जो कि दलितों के नेता हैं, उनकी पत्नी और उनके बेटे और उनके परिवार वालों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं सम्राट चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है, और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। वहीं आपने अभी सम्राट चौधरी की बातें सुनी कि किस प्रकार सम्राट चौधरी का कहना है कि एक एक पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी। बता दें कि इसके अलावा अब विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। जी हाँ, सम्राट चौधरी के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है। चलिए आपको विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। सर, ये जिस तरीके से सभा में चिराग पासवान जी की मां को गालियां दी गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। तो सुना आपने, साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष अब इस एक मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गरमा गया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का कहना है कि ये सारी बातें क्या मेरे मुंह से निकली है, जब मैं सभाओं में जाता हूं तो हजारों हजारों की संख्या में वहां लोग होते हैं, किसने क्या कहा ये मेरे कान तक नहीं पहुंचा। और इस पूरे मामले पर अब विपक्ष यानी कि बिहार के दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने संस्कारों पर सवाल खड़ा कर दिया, और ये तक कह दिया है कि एक एक पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।